vectors. वैक्सीज क्या होते हैं? वैक्सीज को हम कहते हैं कि वैक्सीज जो हैं, वो डिफरेंट तरह की चीजों के ऊपर पाई जाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम कोई फ्रूट्स को अगर हम देखें, या फिर अगर हम प्लांट्स के लीव्स को देखें, पत्तों को देखें, या फिर फलों को देखें, तो उनकी जो आउटर सर्फेस होती है वो थोड़ी सी शाइनी होती है। कभी आपने गौर किया इस बात को कि वो शाइनी सर्फेस होती है? लीव को अगर हम देखें, पत्तों को अगर हम देखें, तो लीफ का जो अपर सरफेस होती है लीफ की, वो शाइनी सरफेस होती है। इसी तरह फ्रूट्स की जो आउटर कवरिंग है वो थोड़ी सी स्लिपरी सी, थोड़ी सी शाइनी सी इस तरह की होती है। तो वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है बिकॉज इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, और वो प्रोटेक्टिव कवरिंग या कोटिंग जो है वो वैक्सीज से मिलकर बनी होती है। इनके अंदर क्या होता है? इनके ऊपर वैक्सीज की कोटिंग होती है, और ये जो वैक्सीज है ये बेसिकली क्या है, इनको हम कहते हैं कि ये एक लिपिड्स की टाइप्स है। इसके अलावा वैक्सीज जो है वो हम कहते हैं कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, वो जो है वो रिलीज करते हैं वैक्सीज को, सिक्रीट करते हैं। बेसिकली इंसेक्ट्स जो है वो सिक्रीट करते हैं। सिक्रीशन का आपने पढ़ा होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन। तो कुछ इंसेक्ट्स का हमने आपको बताया कि जो इंसेक्ट्स हैं वो वैक्सीज को सिक्रीट करते हैं, उनके बॉडी के अंदर से जो है वो वैक्स जो है वो निकलती है। और वैक्सीज होती क्या है? वैक्सीज को अगर हम केमिकली देखें कि वैक्सीज का कैसे स्ट्रक्चर होता है, वैक्सीज को हम कहते हैं कि वैक्सीज जो हैं वो हमारे पास लॉन्ग चेन्स है एल्केन्स की, और इन एल्केन्स के साथ हमारे पास डिफरेंट तरह की चीजें हैं, जैसे हमारे पास अल्कोहल्स हो सकते हैं, या हमारे पास कीटोन्स हो सकते हैं, या फिर हमारे पास डिफरेंट तरह के एस्टर्स हैं। एस्टर्स को भी हमने आपको बताया क्या होते हैं, कीटोन्स हमने अपने लास्ट लेक्चर कार्बोहाइड्रेट्स जब पढ़े थे तब हमने देखा था, अल्कोहल हमने आपको बताया जिनके साथ ओएच ग्रुप प्रेजेंट होता है, अल्कोहल होते हैं। एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन्स आप अपने ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। एल्केन्स हमने कहा था कि वो तमाम स्ट्रक्चर जिनके अंदर कार्बन की सिंगल बॉन्ड होती है उनको एल्केन्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एल्केन की एग्जाम्पल अगर हम देखें, हमारे पास CH3, CH2, CH2, CH3, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ये आप अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। एल्केन ग्रुप में अगर हम इसका नाम देखें तो क्या होगा? इसको हम कहते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों कहा? इसलिए क्योंकि इसके अंदर चार कार्बन है, और ये सब के सब कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है। इसी तरह अगर हम किसी और एग्जाम्पल को देखें, CH3, CH2, CH3, लेट सपोज ये हमने एक एग्जाम्पल देखी, इसके अंदर क्या है? हमारे पास तीन कार्बन है, तीनों एक दूसरे के साथ जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। एन ग्रुप जो है वो हमें बताता है ये एल्केन है, और एल्केन्स होते क्या है? वो चीजें जिनके अंदर वो तमाम चेन, जिनके अंदर हमारे पास कार्बन की सिंगल बॉन्ड होती है, और कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ दो चीजें पाई जाती है, वो एल्केन्स होते हैं। तो हमने क्या आपको बताया कि वैक्सीज क्या है? वैक्सीज है हमारे पास एल्केन्स की लॉन्ग चेन है जिनके साथ अटैच हो सकते हैं या तो अल्कोहल, कीटोन, एस्टर्स, या फिर कोई इनका कॉम्बिनेशन। तो ये सब जब मिलेंगे तो हमारे पास वैक्स बन जाएंगी। एल्केन्स के अंदर होता है कि एल्केन्स जो है इसके अंदर जो प्रेजेंट होती है उनके लिए लाजमी है कि एल्केन जो है वो ऑड नंबर प्रेजेंट हो, यानी कि ऑड नंबर हम कहते हैं सी कार्बन जो है वो 25 से लेके 35 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो ज्वाइन हो, इकट्ठे लंबी सी चेन बने, तो उस तब हमारे पास क्या बनेंगे? हमारे पास वैक्सीज बन जाएंगे। अब वैक्सीज होते क्या है? वैक्सीज की कुछ यूजेस हम देख लेते हैं। वैक्सीज कहाँ कहाँ पे हमारे लिए फायदेमंद है, हमारे लिए या प्लांट्स या डिफरेंट तरह के एनिमल्स के लिए वैक्सीज का क्या इस्तेमाल है? वैक्सीज को हम कहते हैं कि वैक्सीज जो है वो हेल्प करते हैं प्लांट्स को कि उनके अंदर से एक्सेस वाटर जो है वो लॉस ना हो, यानी कि दे प्रोटेक्ट द प्लांट्स, प्रोटेक्ट द लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट्स। पौधों के अंदर से जो पानी है वो खत्म ना हो जाए, वो इवेपोरेट ना हो जाए, ट्रांसपायर ना हो जाए, उसको बचाने के लिए पौधों की जो सरफेस है, स्टेम है, लीफ है, उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है वैक्सीज की, और यही इसका फायदा है पौधों को। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर अगर कोई एब्रेसिव डैमेज आ रहा है, एब्रेसिव डैमेज कहते हैं हम, फॉर एग्जांपल अगर हमने कुछ
हमने किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से प्लांट के ऊपर कोई प्रेशर आ रहा है या फिर कोई जानवर है जो ग्रेस करें चारे के तौर पे पौधों को इस्तेमाल करें हैं या फिर हम पौधों को बहुत ज्यादा रब करें यानी कि ग्रेजिंग की वजह से या रबिंग की वजह से एक्सेस प्रेशर की वजह से पौधों को जो नुकसान पहुंचाती है चीजें इन चीजों की वजह से पौधों को जो डैमेज होता है उसको बचाने के लिए वैक्सीन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये पौधों को बचाती हैं इन चीजों के खिलाफ। इसके अलावा वैक्सीन जो हैं वो एक बैरियर प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड प्लांट्स अ बैरियर। बैरियर किसे कहते हैं? बैरियर हम कहते हैं रुकावट को। तो एक रुकावट देती है अगेंस्ट इंसेक्ट्स बर्ड या फिर हम कहते हैं डिफरेंट तरह के एनिमल्स। इन तमाम चीजों को जो है एक बैरियर एक रुकावट प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से क्या होता है कि पौधों के अंदर से पानी वगैरह जो है वो खत्म नहीं हो सकता। ये जो चीजें हैं ये पौधों का जो पानी है उनको खत्म नहीं कर सकती। तो ये तो हमने यूजेस कर लिए वैक्सीन के। वैक्सीन के बाद हम जो अपनी नेक्स्ट कैटेगरी है उसके ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमने एक एग्जाम्पल देखी थी सॉरी क्लासिफिकेशन में हमने देखा था फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स हम कहते हैं कि ये जो है वो डेरिवेटिव्स हैं फॉस्फेटाइडिक एसिड के। किसके? फॉस्फेटाइडिक एसिड यानी कि फॉस्फेटाइडिक एसिड के डेरिवेटिव फॉस्फेटाइडिक एसिड के साथ डिफरेंट तरह की और चीजें कंबाइन करती हैं तो हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स बनते हैं। अब ये फॉस्फेटाइडिक एसिड क्या चीज है? एक अजीब सा नाम है। फॉस्फेटाइडिक एसिड जो है वो हमारे पास बनता है जब भी हम ग्लिसरॉल को कंबाइन करें फैटी एसिड के साथ और इसके साथ हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड आ जाए यानी कि इन तीन चीजों को हम कंबाइन करें तो हमारे पास फॉस्फेटाइडिक एसिड बनता है। और ये जो फॉस्फेटाइडिक एसिड है ये खुद से और इसके साथ मजीद डिफरेंट तरह के और चीजें मिलाने से हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स बनते हैं। और ये एक हमारे पास कैटेगरी है लिपिड्स की। और ये जो लिपिड्स हैं वो डिफरेंट तरह के हमारे बॉडी स्ट्रक्चर्स को बनाने में हेल्पफुल होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स की जो एग्जाम्पल्स हैं एक तो हमने देख लिया कि फॉस्फेटाइडिक एसिड्स होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट तरह की नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। नाइट्रोजनस बेसिस का कॉन्सेप्ट जो है वो आपने डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर भी देखा था। नाइट्रोजनस बेसिस जितनी भी हैं हमारे पास उनमें से कुछ जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कोलीन एक एग्जाम्पल है इसकी। इसके अलावा हमारे पास है इथेनोलामाइन के अलावा हमारे पास है सीरीन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फॉस्फोलिपिड्स की। ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं। एक हमने पढ़ ली कोलीन, एक हमने पढ़ी इथेनोलेमाइन, एक हमने पढ़ी सीरीन। तो ये भी जो है वो फॉस्फोलिपिड्स के एग्जाम्पल्स के अंदर आ जाती हैं। अब ये इस्तेमाल कहाँ होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स का फायदा क्या है? फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं इनके यूजेस अगर हम देखें फॉस्फोलिपिड्स के डिफरेंट यूजेस हैं ऐसे ही जैसे हमने डिफरेंट कैटेगरीज बाकी पढ़ी हैं उनके यूजेस देखे हैं। फॉस्फोलिपिड्स का जो फर्स्ट यूज है वो ये है कि जितने भी हमारे पास बैक्टीरिया है या फिर एनिमल सेल्स हैं या फिर हमारे पास प्लांट सेल्स हैं इन तमाम की जो मेम्ब्रेन हैं वो इन फॉस्फोलिपिड्स से मिलके बनी है। यानी कि बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल मेम्ब्रेन या प्लांट सेल मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड से मिलके बनती हैं। एक और एग्जांपल जो है फॉस्फोलिपिड की वो ये है। उसका स्ट्रक्चर का नाम है जी फॉस्फेटाइडल कोलीन। और फॉस्फेटाइडल कोलीन जो है वो एक बहुत अच्छी एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड की। फॉस्फेटाइडल कोलीन बनता किस तरह से है? इसको हम लेसिथिन भी कहते हैं। ये एक केमिकल स्ट्रक्चर है। और ये किस तरह से बनता है? इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा
सबसे पहले हम फॉस्फेटाइडिक एसिड को देखते हैं। फॉस्फेटाइडिक एसिड को हमने ऊपर डिस्कस किया। फॉस्फेटाइडिक एसिड किस तरह से बनता है? फॉस्फेटाइडिक एसिड का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन, देन वी हैव कार्बन, ऑक्सीजन एंड यहाँ पे हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप आ जाता है, उसके साथ एक और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड देन एक और अल्काइल ग्रुप। इसी तरह से मजीद इसका स्ट्रक्चर बनता जाएगा। ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया। ये क्या बना? ये हमारे पास बना है फॉस्फेटाइडिक एसिड। और फॉस्फेटाइडिक एसिड में हमने क्या कहा था? फॉस्फेटाइडिक एसिड बनता है ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और फॉस्फोरिक एसिड से। तो ये हमारे पास बेसिकली ऐसे ही स्ट्रक्चर है। इसके अंदर है क्या? ये ग्लिसरॉल, दो फैटी एसिड। फैटी एसिड कहाँ है हमारे पास? फैटी एसिड ये अगर हम देखें, ये हमारे पास यहाँ पे फैटी एसिड है। इसके अलावा हमारे पास दो फैटी एसिड है, एक ये है, इसी तरह एक यहाँ पे हमारे पास फैटी एसिड का माइनो ऑफ है। इसके अलावा हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड है। फॉस्फोरिक एसिड कहाँ है? यहाँ हमारे पास, ये हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड है। ये फॉस्फोरिक एसिड कम्बाइन हुआ है एक ग्लिसरॉल के साथ। ये हमारे पास एक ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर था। ओवरऑल इस ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर के साथ हमारे पास दो फैटी एसिड और एक फॉस्फेटाइडिक एसिड को बनाने के लिए फॉस्फोरिक एसिड कम्बाइन हुआ, तो हमारे पास फॉस्फेटाइडिक एसिड बन गया। अब अगर हम फॉस्फेटाइडिल कोलीन की बात करें, लेसिथीन जिसको हमने ऊपर देखा, तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा? उसका स्ट्रक्चर इसी तरह से बनेगा। बेसिक अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वो बिल्कुल इसी तरह से होगी, सिवाय इसके कि इस H ग्रुप के अलावा हमारे पास एक और ग्रुप अटैच होगा और वो कुछ इस तरह से होगा। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना है, न्यू स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है, ये किस चीज का है? ये लेसिथीन या फिर फॉस्फेटाइडिल कोलीन, फॉस्फेटाइडिल कोलीन जो है, या फिर जिसे हमने कहा है कि ये लेसिथीन है, इसका स्ट्रक्चर बनाया है। उसके अंदर हुआ क्या है? बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे हमने अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर देखा है, इसके अंदर हमने क्या बनाया था? इसके अंदर हमने फॉस्फेटाइडिक एसिड बनाया था। फॉस्फेटाइडिक एसिड के साथ ही अगर हम ये वाला हाइड्रोजन रिमूव कर दें और इस हाइड्रोजन के साथ के अलावा अगर हम यहाँ पे एक कोलीन ग्रुप जो कि एक नाइट्रोजनस बेस है, कोलीन ग्रुप को अटैच कर दें यहाँ पे, तो ये हमारे पास एक नई चीज बन जाती है जिसे हम कहते हैं फॉस्फेटाइडिल कोलीन। तो ये डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फॉस्फोलिपिड्स के हम देखते हैं। और इन फॉस्फोलिपिड्स का काम क्या है? फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह की मेम्ब्रेन्स बनाते हैं, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये किस चीज से मिलकर बने हैं? ये बेसिकली फैटी एसिड से मिलकर बने हैं और इससे हमारे पास डिफरेंट तरह के लिपिड्स बनते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो टर्पेनॉइड्स की एग्जाम्पल है, या डिफरेंट हम जो क्लासिफिकेशन को स्टडी कर रहे थे तो उस क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास नेक्स्ट पे जो आता है टर्पेनॉइड हैं। टर्पेनॉइड होते क्या है? टर्पेनॉइड को हम कहते हैं कि टर्पेनॉइड जो है वो एक लार्ज ग्रुप है जो कि रिपीटेड यूनिट से बनता है। हमारे पास आइसोपेनॉइड यूनिट है, ये एक केमिकल स्ट्रक्चर है आइसोपेनॉइड यूनिट, और इन सब के कंबाइन करने से ढेर सारे ये आइसोपेनॉइड जो है वो कंबाइन करते हैं तो हमारे पास टर्पेनॉइड बन जाते हैं। और टर्पेनॉइड का काम क्या है? टर्पेनॉइड जो है अगर हम इनको आइसोपेनॉइड यूनिट जो हमारे पास है अगर हम इनको कंडेंस कर दें डिफरेंट तरीकों से, अगर हम इनको कंबाइन करें, इनको कंडेंस कर दें, तो हमारे पास डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स बनते हैं जो जिनमें आ जाते हैं हमारे पास रबर जो है वो आ जाता है, या फिर हम कहते हैं हमारे पास कैरोटीनॉइड आ जाते हैं। कैरोटीनॉइड जो है वो इसकी एक क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, कैरोटीनॉइड जो है वो होते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्टीरॉइड बनते हैं या फिर हमारे पास टर्पीन बनते हैं। टर्पीन जो है वो क्या है? टर्पीन जो है वो एक प्लांट हार्मोन है। और आपने इसके अलावा टर्पेंटाइन ऑयल के बारे में पढ़ा होगा, डिफरेंट तरह की इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वो टर्पेंटाइन ऑयल इस्तेमाल होता है। तो ये जो है वो इसकी जो हमने पढ़ा कि ये किस तरह से बनते हैं, ये हमारे पास आइसोपेनॉइड यूनिट्स होते हैं। आइसोपेनॉइड जो है वो कंबाइन करते हैं और फिर हम उनको कंडेंस कर देते हैं तो हमारे पास ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है ये बन जाते हैं। तो ये जो है हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमने डिफरेंट चीजें जो थी डिफरेंट क्लासिफिकेशन को स्टडी किया, लिपिड्स की हमने देखा कि लिपिड्स को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं और इनका हमें क्या क्या फायदा है। ये तो हमारा लिपिड्स का जो टॉपिक है यहाँ पे एंड हो जाता है। लिपिड्स को हम अगर
समराइज करें, जैसे कि अभी हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स तो लिपिड्स के पढ़ लिए, लेकिन अगर हम समराइज करें इसकी डिफरेंट तरह के जो यूजेज हैं, अगर हम ये देख लें कि लिपिड्स का फायदा क्या है, या फिर हम इम्पोर्टेंस देख लें कि लिपिड्स की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे बॉडी के लिए, या ओवरऑल लिपिड्स की क्या इम्पोर्टेंस है, तो उनको हम कुछ पॉइंट्स में समराइज कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि लिपिड जो है वो एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमने आपको बताया था कि लिपिड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होती हैं, और ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्रेक होने से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो इसलिए हम जो इसकी इम्पोर्टेंस है, इसमें इस चीज को कभी भी नहीं भूल सकते कि लिपिड आर वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अलावा लिपिड्स के बारे में हम कहते हैं कि दे आर इंसुलेटर्स, ये बहुत अच्छे इंसुलेटर्स हैं, ये इंसुलेट करते हैं हमारे बॉडी को, यानी कि अगर हमारे बॉडी के अंदर लिपिड्स प्रेजेंट होंगे तो आउटर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का या आउटर एटमॉस्फेरिक चेंजेस का हमारे बॉडी पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बाहर बहुत सर्दी हो जाती है या बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, तो हमारे अंदर के टेम्परेचर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? बिकॉज हमारे बॉडी के ऊपर लिपिड्स की एक लेयर होती है, जिसे हम चर्बी भी कहते हैं, तो वो जो है वो इंसुलेट करती है हमारे बॉडी को। इसके अलावा लिपिड जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। हमने अभी ऊपर वैक्सीज के अंदर देखा था कि वैक्सीज जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, ताकि उनके अंदर से वाटर लॉस भी ना हो सके, या फिर किसी भी तरह के अगर उनके अंदर एब्रेसिव डैमेज हो रहा है तो लिपिड उनको इन तमाम डैमेजेस से बचाती है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज लिपिड का हमने जो टेरपेनॉइड्स के अंदर देखा, या फिर हमने फॉस्फोलिपिड्स के अंदर बेसिकली जो हमने इसका यूज देखा, वो क्या था? वो ये था कि जो लिपिड्स हैं वो हमारी सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है वो हमारे लिपिड्स से बनती है, और लिपिड्स के बगैर होगा क्या कि लिपिड्स के बगैर जो है वो सेल के अंदर से भी वाटर लॉस बिल्कुल वैसे ही होने लगेगा जैसे कि हमने पढ़ा प्लांट्स के अंदर से हो सकता है। तो यानी कि हुआ क्या, लिपिड जो है हम कहते हैं कि दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन आर सेल। लिपिड जो है दे मेक अप अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन आर सेल, हमारे सेल के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर जो है मेम्ब्रेन का, वो लिपिड्स बनाते हैं। तो ये तो हमारे पास लिपिड्स का टॉपिक एंड हो गया। यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा लिपिड्स के टॉपिक को अगर हम थोड़ा सा समराइज कर लें जल्दी से, लिपिड्स के टॉपिक के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, तो अगर हम समराइज कर लें जल्दी जल्दी से लिपिड्स के टॉपिक के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले तो हमने देखा कि लिपिड का जो वर्ड है वो लाइपोज से निकला है। लाइपोज का मतलब है फैट्स और ऑयल्स। लिपिड के बारे में हमने कहा कि वो पानी के अंदर सोलबल नहीं होते, वाटर के अंदर सोलबल नहीं है, लेकिन वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि एस्टर्स, बेंजीन वगैरह के अंदर सोलबल है, ईथर्स वगैरह के साथ। उसके बाद हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी लिपिड्स की। उसके बाद हमने लिपिड्स के डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया। लिपिड्स को हमने देखा तो वो फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं, फैटी एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। तो फिर हमने फैटी एसिड के स्ट्रक्चर को देखा कि फैटी एसिड किस तरह से बनते हैं। कुछ एग्जांपल हमने देखी, जैसे कि हमने एसिटिक एसिड देखा, फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी फैटी एसिड की, और इसके अलावा फिर हमने कुछ और फैटी एसिड को जो है वो डिस्कस किया, जिसके अंदर हमारे पास ब्यूटेरिक एसिड था, पामेटिक एसिड था, और हमने बताया कि ओलिक एसिड जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। क्यों अनसैचुरेटेड है? क्योंकि उसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। उसके अलावा फिर हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड की बात की अपने आज के लेक्चर में। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड के अंदर हमने लिपिड के डिफरेंट तरह की टाइप्स को हमने देखा, साइड बिसोर, वैक्सीज, फॉस्फोलिपिड, पेंजोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, टेरपेनॉइड लिपिड, और एक एक को हमने फिर डिटेल में डिस्कस किया। इसलिए एसाइड रिसोर्स को हमने देखा, एसाइड रिसोर्स के अंदर से हमने उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को डिटेल में देखा, किस तरह से इसको बनाया जाता है, उसकी एग्जांपल्स को स्टडी किया। उसके बाद हमने वैक्सीज को देखा, वैक्सीज के स्ट्रक्चर्स को देखा, स्ट्रक्चर के बाद फिर हमने इसके यूजेस देखे कि वैक्सीज कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं, वैक्सीज का क्या क्या फायदा है। उसके बाद हमने फॉस्फोलिपिड देखे, उसके यूजेस देखे, हमने फिर उसके बाद उसके स्ट्रक्चर को देखा डिटेल में। उसके बाद हमने टेरपेनॉइड्स को डिस्कस किया, और हमने फिर ओवरऑल लिपिड की इम्पोर्टेंस देखी और लिपिड की यूजेस देखे कि लिपिड को कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, लिपिड का हमारी बॉडी के अंदर या फिर प्लांट्स या फिर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या क्या फायदा है। तो ये तो हमारा आज का लेक्चर था। अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट बाकी बायोमोलिक्यूल्स का देखेंगे और उनके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे।